दोस्तों आपने मूवीज तो जरूर देखी होंगी और अक्सर आपने देखा होगा हीरो और विलेन के बीच में फाइट होते, कभी कभी तो गोलियों से भी फाइट होती है। तो क्या कभी आपके मन में ये ख्याल आया कि अगर किसी इंसान को सच में ही गोली लग जाए, वो भी अगर सीने में गोली लग जाए तो क्या होगा, या सीने में गोली लगने के बाद कोई इंसान कितनी देर तक जीवित रह सकता है, नहीं पता ना। तो बने रहिए हमारे साथ आपके अपने चैनल फैक्ट स्पॉटलाइट पे, कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताएंगे आज आपको। तो बात है 14 अक्टूबर 1912 की, जब अमेरिकी प्रेसिडेंट टेडी रूजवेल्ट एक चुनाव प्रचार में गए थे और वो वहाँ पे स्पीच देने ही जा रहे थे कि अचानक उनके ऊपर किसी ने गोली चला दी। गोली चलाने वाले को तो पकड़ लिया गया, लेकिन गोली उनकी जेब में रखी हुई 50 पेज की स्पीच की मैन्यूस्क्रिप्ट पड़ी हुई थी, यानी वो जो स्पीच देने जा रहे थे ना, उन्होंने वो डायरी में लिख रखी थी और वो गोली उनकी उस डायरी से टकराते हुए उनके सीने में घुस गई। वो दर्द से तड़प उठे और गिर गए। चारों तरफ भगदड़ मच गई, हाहाकार मच गया। अब ये आप जो पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर में आप वो डायरी यानी वो इस मैन्यूस्क्रिप्ट देख सकते हैं। ये वही नोट या वही डायरी है जो वो अपनी जेब में रखे थे, जिस पे गोली लगी थी। गोली लगने से ही डायरी में छेद भी हो गया है, इसे आप पिक्चर में साफ साफ देख सकते हैं। तो हुआ आगे कुछ यूं कि भगदड़ को देख के टेडी रूजवेल्ट उठे और बोले कि सौभाग्य से मेरे पास जो पांडुलिपि थी, यानी कि जो मेरे पास डायरी थी, आप देख सकते हैं कि उसकी वजह से गोली मेरे सीने में सीधे नहीं लगी और अब मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा लंबा भाषण नहीं दे सकता, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। यानी गोली लगने के बाद भी उन्होंने ऐसा कहा और फिर वो स्पीच देना शुरू किए। आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि वो गोली लगने के बाद कहराते और तड़पते रहे, लेकिन उन्होंने 90 मिनट तक अपनी स्पीच जारी रखी। इसके बाद रात के करीब 8 बज रहे थे उस समय, जब वो अपनी कार में बैठे और वापस गिलपैट्रिक होटल आए, जहां उन्हें फिर इलाज के लिए ले जाया गया। डॉक्टर ने जब उनकी हालत देखी तो ये निश्चय किया कि गोली को बाहर निकालने की कोशिश की तुलना में उसे वहीं छोड़ देना उनके लिए ज़्यादा सुरक्षित होगा, यानी कि वो सारी उम्र उस गोली को अपने सीने में लिए घूमते रहे। एक बार की बात है, वो नदी में नहा रहे थे और नदी में नहाने की वजह से उनके सीने में जो गोली फंसी थी उसमें संक्रमण शुरू हो गया और फिर उस दिन से वो धीरे धीरे बीमार रहने लगे। बीमारी उनका साथ नहीं छोड़ रही थी। कई हफ्तों तक वो लास्ट टाइम में अस्पताल में भी भर्ती रहे। फिर एक दिन 6 जनवरी 1919 की सुबह वो नींद में उनकी मृत्यु हो गई और डॉक्टरों का ऐसा कहना था कि फेफड़े में खून के थक्का जमने से उनकी जान चली गई। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग सा फैक्ट? अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बने रहें ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए। धन्यवाद।